आप सभी का स्वागत है। आप बने हुए हैं YouTube चैनल एग्रीकल्चर सॉल्यूशन के साथ। हम आपको धान की फसल में जो रोग आता है, एक हल्दी रोग जिसे हम कंडुआ रोग भी कहते हैं, फॉल स्मट, उसकी हम आपको जानकारी देंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो किसान भाइयों, ये रोग धान की फसल में जो है बालियाँ निकलने के बाद आता है। जिन दानों में यह रोग शुरू होता है वह सफ़ेद हो जाते हैं और ऐसा लगता है जैसे इन दानों का रंग उड़ गया हो। शुरुआत में फॉल स्मट रोग छोटा होता है जो धीरे धीरे आकार में बड़ा होता जाता है। बाद में यह फफूंद फट जाती है और हल्के पीले रंग की दिखाई देती है। जब इन स्मट बालों की झिल्ली फट जाती है, अगर इन दिनों खेत में हवा चलती है तो ग्रासित पौधों से स्वस्थ पौधों की पत्तियों पर, बालियों पर उड़कर आते रहते हैं और ये रोग एक से दूसरे पौधे पर फैलता रहता है। हमें इन स्मट बालियों को छूकर कभी स्वस्थ या पौधे को नहीं छूना चाहिए, क्योंकि पाउडरी स्मट हमारे हाथों में चिपक जाता है और जब हम स्वस्थ पौधे या बालियों को अनजाने में छूते हैं तो हम जो है एक पौधे से दूसरे पौधे से और एक खेत से दूसरे खेत में फैला सकते हैं। तो हमें जो है कभी भी ग्रासित बालियों को छूकर कभी स्वस्थ बालियों या पौधों को नहीं छूना है, जिससे यह रोग एक पौधे से दूसरे पौधे में, एक खेत से दूसरे खेत में फैले। जिन क्षेत्रों में वर्षा ज़्यादा होती है, वातावरण में आर्द्रता 96%, तापमान 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है, ऐसे क्षेत्रों में ये रोग ज़्यादा फैलता है। और जब हम दूसरी फसल के अवशेष हमारे खेत में बचे होते हैं तो उन्हें हमें फेंक देना चाहिए। धान की फसल लगाने से पहले जो है खेत की जो मेड़ें होती हैं, घास होती है, उसको अच्छी तरीके से साफ़ कर देना चाहिए। ये भी जो है ये रोग फैलाने में काफ़ी मदद करती हैं, इसके द्वारा भी ये रोग काफ़ी फैलता है। तो अगर इस रोग की रोकथाम की बात करें तो हमें जो है बालियां निकलने से पहले ही हमें अपनी खेत पर स्प्रे करनी है। जब हमारी बालियां निकलती हैं तो हमें स्प्रे करनी है। किसकी स्प्रे करनी है? पायरेक्सोस्ट्रोबिन 7% प्लस प्रोपिकोनाजोल 12% ऐसी फॉर्म में जो आता है, इसकी हमें मात्रा जो लेनी है वो 400 ml प्रति एकड़ लेनी है। 200 लीटर पानी के साथ जो हमें अपनी फसल पर स्प्रे कर देना है, काफ़ी हद तक आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। दूसरा जो है वो आपको लेना है ट्राईसाइकाजोल 75%, 125 ग्राम इसकी मात्रा लेनी है और इसके साथ आपको प्रोपिकोनाजोल 25% ऐसी फॉर्म में 250 ml लेनी है। 200 लीटर पानी के साथ इसका फसल पर स्प्रे करने से बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। अगर इसी के साथ आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी के साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद।